हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कलियों वाला लहंगा। जो कि ये हमारा कपड़ा है वो 4 मीटर है और ये चिनोन वाला कपड़ा है। चिनोन वाले कपड़े में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, ये देख लीजिए इस तरह का। ये चिनोन वाला कपड़ा है और इसके ऊपर यहाँ पर सिक्वेंस और धागे का काम है। तो यहाँ पर मैंने ये है मेन फेब्रिक है वो 4 मीटर लिया है और अस्तर है वो लिया है मैंने 5 मीटर। तो इसकी विड्थ हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें 40 इंची लेंथ चाहिए तो इसकी विड्थ है वो आराम से हो जाएगी इस तरह से। अब हमने ये अस्तर लिया है, तो ये अस्तर है हमारा जो बड़ा पहना आता है वो अस्तर है हमारे यहाँ पे। अस्तर है दो तीन तरह के आते हैं। एक अस्तर में पहना है वो बहुत ही कम आता है, जिसका 17-18 इंची आता है डबल में, और इसका डबल में 21 इंची है, यानी दोनों खोलेंगे तो 42 इंची हो जाएगा इस तरह से। ये डबल में है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से खोल के और फिर हम इसकी कलियाँ निकालेंगे, डबल में नहीं निकालेंगे। तो इस तरह से हम खोल के और पहले सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। तो 40 इंची हमारी लेंथ है, उसमें से हम आधा इंची कम करके और यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे 39.5 इंची लेंथ लेंगे इस तरह से, और हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसको हमने 4 भागों में फोल्ड किया है, क्योंकि हम 18 कलियाँ इसकी निकालेंगे यहाँ से, और सीधा करके हमने यहाँ पर इस तरह से हमने 12 इंची लिया है, और 12 इंची का आधा करके हम यहाँ पे 3-3 इंची लेंगे, क्योंकि 18 कलियाँ हैं तो हमें ऊपर से 3 इंची चाहिए और नीचे से हमने 12 इंची लिया है, और इसको इस तरह से हमने तिरछा करके मिला दिया है। कलियाँ हम इस तरह से निकालेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे जहाँ पे 3 इंची लिया है, अब हम यहाँ से दूसरी कली निकालेंगे 12 इंच की, क्योंकि ये कली हमारी अपोजिट निकलती है। जो कलियाँ होती हैं वो अपोजिट होती हैं, एक साइड से 3 इंची और दूसरी साइड से 12 इंची, और फिर हम 3 इंची और फिर 12 इंची, इस तरह से हम सारी कलियाँ निकाल लेंगे। तो एक पल्ले में हमारी 5 कलियाँ निकलेंगी। इसका पहना है वो ज़्यादा है तो 5 कलियाँ हम आराम से निकल जाएंगी यहाँ से, और इस तरह से हम निशान लगा के और फिर इस पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरह से कलियाँ निकाल लेंगे। तो टोटल हमें यहाँ से 18 कलियाँ निकालनी है, बाकी जो भी कपड़ा बचेगा उसके हम फोल्ड पट्टी तैयार कर लेंगे। तो कलियाँ आप कितने भी निकाल सकते हो, जो कि मैंने बताई है कि आप कलियाँ किस तरह से निकालते हो। कलियाँ है वो हमारे जो ऊपर का नाप है वो कमर के हिसाब से होता है, उस हिसाब से आप कितने भी कलियाँ हैं वो निकाल सकते हो। यहाँ से मैं नीचे की जो फोल्ड पट्टी है वो ले रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने फोल्ड पट्टी की जो लेंथ है वो 5 इंची ली है, और इस तरह से मैंने कट करके और 2 हिस्से कट कर लिए हैं यहाँ पे। ये देखिए, और बेल्ट हम बाद में निकालेंगे। तो ये मैंने फोल्ड पट्टी भी यहाँ पर निकाली। अब हमने ये जो मेन फेब्रिक है उसको लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। आप 4 फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन ये चिनोन का कपड़ा है तो पिसलने वाला कपड़ा है, तो इसको डबल फोल्ड किया है मैंने, और इस तरह से सारी कलियों को ये देखिए इस तरह से रख लिया है। तो एक साइड में, दोनों साइड में हमारे 3-3 इंची पर काम नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमारी जो लेंथ है नीचे से इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सेट किया है कि काम नहीं है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी सारी कलियाँ, और नीचे से हैं वो काम वाली कलियाँ हैं वो बराबर इक्वल करके हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सारी कलियाँ हम इसी तरह से कट कर लेंगे। टोटल हमारी 18 कलियाँ हैं, हमने टोटल कट की है, ये देखिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टिच करेंगे हमारे लहंगे को। तो सबसे पहले हम 2-2 कलियाँ जोड़ेंगे। ये कलियाँ हमारी दोनों तरफ से बराबर है, तो इसमें कैसे भी हम इसको जोड़ सकते हैं। एक तरफ से हम सीधी और एक तरफ से हम तिरछी कलियाँ जोड़ते हैं, तो उसको हमें देखना होता है। बाकी ये दोनों तरफ से तिरछी है, सही कलियाँ यही होती हैं, इसी तरह से कलियाँ निकलती हैं, वो हम कपड़े के हिसाब से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से कपड़े को लेना है, राइट के ऊपर राइट कपड़ा रखना है, जैसे कि नीचे वाला हमारा सीधा कपड़ा है और ऊपर वाला जो कली है उसको हमने इसके ऊपर उल्टा रख दिया है, और एक अस्तर हम नीचे लगाएंगे और दूसरा अस्तर हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम लगा के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा हम यहाँ पे
पक्का कर लेंगे और फिर हम पूरी सिलाई इस तरह से लगा देंगे। अब नीचे का जो भी हमारी ये कली है नीचे की, उसको थोड़ा थोड़ा हमें खींचना है, क्योंकि हम स्टिच लगाते हैं तो नीचे से कपड़ा है वो हमारा इकट्ठा होता जाता है थोड़ा थोड़ा, तो हमारी कली है तो कम से कम भी एक या आधा इंच का हमारा फ़र्क आ जाता है, एक इंच का ही फ़र्क आ जाता है। तो हमें नीचे वाला जो कपड़ा है वो खींचना है थोड़ा थोड़ा और ऊपर वाला लू छोड़ते जाना है, क्योंकि मेरी मशीन है वो नीचे वाले कपड़े को खींचती है इस तरह से। तो मैं नीचे वाले कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींच रही हूँ, पूरे ही कपड़े को इस तरह से, ज़्यादा भी नहीं खींच रही हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे से खींच रही हूँ और ऊपर वाला मैं लू छोड़ रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें कलियाँ ज्वाइंट कर लेनी है, तो मैं दो दो कलियाँ ज्वाइंट करूँगी इसकी। तो सबसे पहले मैं दो दो कलियाँ ज्वाइंट कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसके दो दो कलियाँ ज्वाइंट करके फिर हम इसको यहाँ से सारी कलियाँ ज्वाइंट कर लेंगे। इससे पहले मैं दो दो कलियाँ हैं उसके प्रेस लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारा चिनोन का कपड़ा है तो कपड़ा है वो हमारा ऐसे खड़ा खड़ा सा रहता है, तो इस पर प्रेस कर लेंगे तो अच्छे से ये कलियाँ वो सेट हो जाएंगी। अब हमने ये सारी कलियाँ देखिए ज्वाइंट कर ली है और नीचे से मैंने इसके गोलाई भी दे दी है। हमें इसके गोलाई दोबारा से सिलने के बाद में, जो कलियाँ हैं वो जोड़ने के बाद में दोबारा से देनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ गोलाई भी दे दी है। अब हमने ये पट्टी ली थी जो कि हमारी 5 इंच की पट्टी तैयार हुई है, इस पे हम लेस अटैच करेंगे। ये हमारी लेस है, इसको हम अटैच करेंगे इसके ऊपर। तो ये एक साइड से सीधी है और एक साइड से हमारी उल्टी है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से सीधी साइड से ही इसको अटैच करना है हमें। जो भी हमारी ये कॉर्नर है ये हमें पट्टे की साइड लेना है और यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन देते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है इस तरह से। जितनी हमें बाहर दिखानी होती है लेस को उतनी ही हम बाहर रखते हैं, वहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं, तो जहाँ पे हमारी स्टिच होती है उतनी ही हमारी बाहर दिखती है, बाकी सारी अंदर चली जाती है हमारी। इस तरह से हम पूरी लेस लगा लेंगे। तो हमने पूरी लेस है वो लगा ली है इस तरह से और अब हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा नीचे का हिस्सा है, जो लहंगा हमारा नीचे का, इसको मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर मैंने पट्टी को इस तरह से रखना है, उल्टा यहाँ पे इस तरह से हमें रख लेना है। और यहाँ पे जैसे पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है दूसरी। जहाँ पे लेस पे पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और जो कलियों का डायरेक्शन है वो एक ही साइड रखना है हमें नीचे की तरफ, और पूरी ही सिलाई हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए हमारी इस तरह से लेस है वो निकल के आएगी। अब हम इसको इस तरह से करेंगे हमारे जो भी मार्जिन है, और यहाँ पे हम एक सिलाई और लगाएंगे इसके ऊपर ताकि हमारी पट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाए, और फिर हम इसको उल्टा करके हम यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेंगे बाद में। ये हमने साइड वाली सिलाई लगाई है यहाँ पे, ये देखिए पहले हमने साइड वाली सिलाई लगा ली है और फिर हम नीचे की पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे। इससे पहले हम इसको चेन को लगाएंगे और यहाँ पे मैंने जितनी चेन लगानी है उतनी यहाँ पे खुला छोड़ा है। अब हम चेन इस तरह से लगा लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। पहले मैंने एक बार फोल्ड किया है, फिर हम दोबारा से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम चेन को अटैच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें चेन को इस तरह से अटैच कर लेना है। चेन है वो अलग अलग तरीके से अटैच हो जाती है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसे इजी लगे उसी तरह से आप अटैच कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने चेन को अटैच कर लिया। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे इसका, यानी नेफा। तो यहाँ पे ये देखिए गुनीस है, क्योंकि 38 इंची का हमारा बेल्ट हमें तैयार चाहिए, कमर है तो यहाँ पे 19 इंची डबल में आ रहा है, तो 38 इंची बेल्ट हमारा तैयार होएगा। अब हमने ये चार पट्टियाँ ली है इस तरह से, ये देखिए चार भागों में फोल्ड है ये, और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंची है यहाँ से। ये देखिए ये चार पट्टियाँ हैं हमारी, और इसकी लंबाई मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि आगे की तरफ हम 2 इंची एक्स्ट्रा रखे, दो दो इंची, तो इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हमने एक पट्टी इसके नीचे रख ली है इस तरह से, और एक पट्टी हमने इसके ऊपर
रखी है। बीच में हमने जो मेन फैब्रिक है वो रखा है, क्योंकि हमारा आगे की तरफ है वो ही आएगा मेन फैब्रिक, पीछे की तरफ केवल अस्तर आएगा। क्योंकि कपड़े पे सिक्वेंस लगे हुए हैं इसीलिए ये चुभते हैं, तो अंदर की तरफ हमारा केवल और केवल अस्तर आएगा। यहाँ पे मैंने एक सिलाई और लगाई है, इसके ऊपर मार्जिन है वो हमें अस्तर की तरफ लेना है, और यहाँ पे एक सिलाई और लगा लेनी है। यहाँ से हम इसको दोनों को इस तरह से अटैच कर लेंगे और जितना हमें चाहिए उसको हम कट करके निकाल लेंगे, तो ये हमारा बेल्ट भी तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब हम इस बेल्ट पे यहाँ पे लेस अटैच करेंगे। इसको मैंने इस तरह से रखा है और यहाँ पे इस तरह से मैंने इस लेस को उल्टी रखी है। नीचे की तरफ हमें पट्टे की तरफ फोल्ड करना होता जो सीधा रखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा रखा है। लेस को हमें उल्टी रखनी है यहाँ पे, क्योंकि हम लगाएंगे तो सीधी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने इसको लेस को उल्टी करके यहाँ पे अटैच की है। और अब हम इसको अटैच कर लेंगे और ये हमारा फाइनल लुक है लहंगे का, जो कि आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन के आया है। और इसका फेयर है नीचे से वो है हमारा 4.5 मीटर, तो फ्लेयर भी खूब हुआ है इसका, बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और ये हमने लटकन बनाई है यहाँ पे, तो इस लटकन की वीडियो भी मैंने तैयार कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे साइड में मैंने ये चेन लगाई है और ये पूरा लुक हमारे लहंगे का है। यहाँ पे ये देखिए जो मैंने लेस अटैच की थी बेल्ट पे, वो भी बहुत ही सुंदर लग रही है, और नीचे भी ये मैंने लेस अटैच की थी, ये देखिए यहाँ से। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।